नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य परिचर्चा ये कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित है और आज हमारे साथ इस स्वास्थ्य परिचर्चा पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर जी एस तोमर सर। हम आपके साथ चर्चा करेंगे कोविड के बाद की जटिलताएं एवं उपचार, मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। इस विषय पे हम सभी लोग हम सुनेंगे प्रोफेसर जी एस तोमर सर को। मैं सबसे पहले मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर जी एस तोमर सर आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और आप लाल बहादुर शास्त्री हंडिया आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व में प्रधानाचार्य रह चुके हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आप आयुर्वेद संकाय के डीन भी रह चुके हैं और इस प्रकार हम जैसा कि ये बीमारी है कोविड, इस समय ये महामारी चल रही है और ठीक होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही ये बीमारी और बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं, लोग परेशान हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर जी एस तोमर सर को, जो अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के, कि कृपया सर इस पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन है ये क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस पर अपनी राय रखें। प्रोफेसर जी एस तोमर सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, आपने बड़े ही सामयिक विषय को चुना है और आज मैं महसूस करता हूं कि कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से कोरोना के बचाव एवं उपचार के संदर्भ में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज कोरोना ठीक होने के बाद भी अनेकों इस प्रकार की जटिलताएं और समस्याएं रोगियों में बनी रह जा रही हैं, जिसके चलते उनको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, आज विशेष रूप से हम कोरोना संक्रमण के होने के बाद उन विशेष समस्याओं का आयुर्वेदीय समाधान बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी इस सदी की सबसे भयावह महामारी है और अक्रॉस द ग्लोब विश्व के मानचित्र पर इसने अपना अस्तित्व इस प्रकार स्थापित किया है कि मानवता के लिए यह गंभीर खतरा बना हुआ है। इस महामारी से न केवल शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि मानसिक यंत्रणा के साथ साथ में सामाजिक रूप से भी वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना संक्रमण के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने समय समय पर अनेकों गाइडलाइन जारी किए हैं, वो उन निर्देशों का पालन करने से आज ये महामारी धीरे धीरे नियंत्रण में आना भी प्रारंभ हो गई है। इस संक्रमण के ठीक होने के बाद भी तात्कालिक लक्षण जैसे तेज बुखार, खांसी, सांस फूलना, गले में खराश, स्वाद एवं गंध का चला जाना, तीव्र अतिसार, उल्टी होना, इन समस्याओं के समाप्त होने के बाद भी लोगों को विशेष रूप से आरटीपीसीआर निगेटिव होने के बाद भी उन रोगियों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पोस्ट कोविड कंडीशन केवल उन मरीजों के लिए है जिन्होंने घातक प्रकार का संक्रमण हुआ है और जो हॉस्पिटलाइज हुए, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए या वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन उन सामान्य लोगों को भी जो कि बहुत ही माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक रहे, उन रोगियों को भी इन पोस्ट कोविड समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनको भी इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश कोरोना 19 संक्रमित रोगी कुछ सप्ताह में, 3 से 4 सप्ताह के समय में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोगों में संक्रमण ठीक होने के बाद भी लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। ये लोग अपने आप को लंबे समय तक रोग को ढोने वाला अर्थात लॉन्ग हॉलर्स समझते हैं। इस अवस्था को
चिकित्सीय भाषा में अगर हम कहें तो पोस्ट कोविड 19 सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड 19 या पोस्ट कोविड 19 कंडीशंस कह सकते हैं। इन्हीं समस्याओं के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। इन रोगियों में ये लक्षण कोरोना संक्रमण के निदान से 4 सप्ताह से भी अधिक समय तक बने रहते हैं। जब उनका डायग्नोसिस हो जाता है उस समय से लेकर के 1 महीने तक ये सिम्टम परसिस्ट करते रहते हैं और आगे भी चलते रहते हैं। बूढ़े एवं कमजोर लोगों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, किडनी की डिसीजेज, इनमें ये लक्षण स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक तो बने रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। यही नहीं, कुछ स्वस्थ एवं युवा रोगियों में भी ये लक्षण अपेक्षाकृत लंबे समय तक अर्थात कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक बने रहते हैं। ये स्थिति आज व्यक्तिगत रूप से मैं देख रहा हूं और आप सब लोगों के सामने है। और अब हम चर्चा करेंगे उन लक्षणों की जो सामान्य रूप से ये समस्याएं आज कोरोना के ठीक होने के बाद भी रोगियों में देखने को मिल रही है। उसमें सबसे गंभीर समस्या है अधिक थकान, सांस फूलने की स्थिति यह है कि थोड़ा सा भी परिश्रम करने के बाद रोगी कहता है कि हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। खांसी रोगियों को सूखी खांसी का ठसका लगातार बना रहता है। तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट समस्या है गांठों में दर्द, रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिसकी वजह से लोगों को अर्थराइटिस के लक्षण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। सीने में दर्द होना, याददाश्त एवं ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, नींद की समस्या भी एक गंभीर समस्या है इन रोगियों में। मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, तेज तथा तीव्र हृदय की धड़कन, आपको ऐसा हृदय की धड़कन तेजी के साथ रोगी कहेगा कि हमको महसूस होता है बहुत तेजी के साथ हृदय हमारा धड़क रहा है, उसकी गति भी तेज हो जाती है। पल्स रेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, स्वाद एवं गंध का ना आना, मन का अवसाद या डिप्रेशन एवं एंजाइटी चिंता, और बुखार हल्का लो ग्रेड फीवर का बना रहना, और साथ साथ में खड़े होने पर चक्कर आना, शारीरिक एवं मानसिक कार्य से लक्षणों का और अधिक बढ़ जाना, और इसके अतिरिक्त मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम एक और भयंकर स्थिति है कि रोगी के संपूर्ण शरीर में कहीं भी शोथ के लक्षण मिल सकते हैं। अधिकांश रोगियों में मैं देख रहा हूं कि एक पैर में घुटना, थाई से लेकर के पूरा का पूरा सूजन आ जाती है और रोगी चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। इन लक्षणों का समाधान की चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से कोरोना से 3 मुख्य वाइटल ऑर्गन हमारे प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका प्राथमिक जो साइट है वो आपका होता है लंग्स, फेफड़े, और फेफड़ों के अलावा ये शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को भी क्षतिग्रस्त करता है। इन्हीं अंगों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं रोगियों में पैदा हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना रोगियों में हृदय का प्रभावित होना एक सामान्य समस्या के रूप में आज दिखाई दे रहा है। बहुत से रोगियों में हृदय संबंधी समस्याएं, पल्स का बहुत तेजी से बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ना, साथ साथ में घबराहट, बेचैनी, आपका हृदय में पेन होना, ये सारी समस्याएं सामान्य रूप से मिलती हैं। इसका मूल कारण ये है कि कोरोना संक्रमण ठीक हो जाने के बाद कुछ महीने के बाद जो स्कैनिंग कराई गई, उस स्कैनिंग में हृदय की मांसपेशियों में डैमेज या उनका क्षतिग्रस्त होना देखा गया। ये इस बात का परिचायक है कि इन रोगियों में हार्ट अटैक का और साथ साथ में हृदय संबंधी अन्य रोगों का खतरा आगे आने वाले में समय में बना रहता है। दूसरी बात, फेफड़े की जब हम बात करते हैं तो फेफड़े में आप जानते हैं कि हमारी जो एल्वियोलाइज होती हैं, जो वायु के कोश होते हैं, इन कोश में विशेष रूप से डैमेज होने के कारण काठिन्य हो जाता है, कठिनता आ जाती है, और फाइब्रोसिस होने की वजह से लंग्स का एरिया जो ऑक्सीजनेशन करने के लिए होता है वो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को श्वास की समस्या और श्वास संबंधी अनेक अन्य समस्याएं रोगी को लगातार बनी रहती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। इसमें मस्तिष्क भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जैसे आप जानते हैं कि सिर दर्द होना, इसके साथ साथ में विशेष रूप से इसमें स्ट्रोक भी हो सकता है, सीजर्स, रोगी को झटके आ सकते हैं, और साथ साथ में एक जीबी सिंड्रोम, गुलेनबेरी सिंड्रोम होता है, जिसमें अस्थायी तौर पर रोगी को लकवा जैसी स्थिति भी आ सकती है, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा
पार्किंसन डिसीज और एल्जाइमर्स का खतरा भी इस प्रकार के रोगियों को बढ़ जाता है। तो इन गंभीर समस्याओं को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम भी एक भयंकर समस्या है कि मैकेनिकली जो रोग भर्ती रहते हैं अस्पताल में उनको वेंटिलेटर्स वगैरह पर रखने के कारण उस मैकेनिकल इंटरवेंशन की वजह से उनको जो परेशानी होती है उस स्ट्रेस को सोच सोच करके उनको समस्या पैदा होती है। इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। डिप्रेशन एवं एंजाइटी मिलती है। क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम सबसे गंभीर समस्या है और ब्लैक फंगस जिसको आप म्यूकर माइकोसिस कहते हैं और इसके अलावा व्हाइट फंगस जिसको हम कैंडिडोसिस कह सकते हैं, ये समस्याएं भी आज सामान्य रूप से देखने को मिल रही हैं। तो मित्रों, समस्याओं को बताने के अलावा हमारा मूल मंत्र है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए आयुर्वेद जैसी सक्षम चिकित्सा पद्धति पर आपको आना होगा। डॉक्टर अवनीश पांडे, स्वयं महसूस कर रहे होंगे आप कि आप चिकित्सा क्षेत्र में जा रहे हैं, रोगी ठीक होने के बाद और अधिक भयग्रस्त हैं और चिंतित हैं। वो कहते हैं हमारा RT-PCR तो नेगेटिव हो गया लेकिन आज भी हमें लगता है कि हम ठीक नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अवनीश पांडे को कि वो अपने रोगियों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू। हमको समझाना पड़ेगा कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमको मानसिक रूप से भी पॉजिटिविटी डेवलप करनी होगी। तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह पर जरूर हैं। तो कुल मिलाकर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस हो, इन सारी समस्याओं का मूल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। और आने वाले समय में दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है कि कोरोना संक्रमण उपचार में कुछ औषधियां जो चलाई जाती हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी कुछ रोगियों को आगे चल करके देखने को मिलते हैं। तो उनके संदर्भ में भी रोगी को जानकारी देना चाहिए। मेरा यह कहने का कतई आशा नहीं है कि उन आधुनिक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में रोगी को जानकारी भी देना चाहिए डिस्चार्ज करते समय कि आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, तो इस चीजों के बारे में भी रोगी को बताना चाहिए और उसको जो है हमें काउंसलिंग करना चाहिए। मित्रों, आयुर्वेद का विशेष मानना है कि सृष्टि में असंख्य जीवाणु और विषाणु हैं। इनमें से अधिकांश जीवाणु और विषाणु हमारे लिए लाभकारक भी हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा अपना मानना है कि संक्रामक रोगों के संदर्भ में आयुर्वेद की यह मान्यता कि कोई भी विषाणु या जीवाणु हानिकारक शरीर में प्रवेश करने के बाद रोग तब तक उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। तो हमको विशेष फोकस देना होगा इन रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में। और साथियों, 18वीं सदी से अगर आप इतिहास उठा के देखिए तो आप देखेंगे लाखों लोग अकाल काल कवलित हुए इन महामारियों से। चाहे हम चिकनगुनिया की बात करें, चाहे एड्स की बात करें, चाहे हम जापानी फ्लू की बात करें, चाहे इबोला की बात करें, चाहे हम स्पेनिश फ्लू की बात करें, अनेकों हमारे जीवन लीला लोग गंवा चुके हैं। आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि हमको विशेष रूप से पहला फोकस ये करना चाहिए ठीक होने के बाद भी कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दवाएं जो आयुर्वेद की हमारी एविडेंस बेस्ड हैं, उन औषधियों का प्रयोग नियमित रूप से करते रहना चाहिए। एक दिन नहीं, ये लंबे कम से कम एक या दो महीने निरंतर चलाना है। इनमें आप जानते हैं कि गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, मुलेठी, दालचीनी, ये औषधियों का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए और इन औषधियों के प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि आप जानते हैं कि आपको आयुर्वेद केवल औषधियों की बात नहीं करता, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जीवन शैली बड़ी नियमित करनी होगी। उस जीवन शैली में आपको क्या करना है, कोई अलग से खर्च नहीं करना, केवल आपको अपने आप को संयमित और रेगुलेट करना है। उसमें आपको सबसे पहले प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें और दूसरी बात ऊषा पान, प्रातःकाल उठते समय तावे के पात्र में रखा हुआ जल आप पिए, उसमें तुलसी के पत्ते 5 डाल दें और सूर्य दर्शन, सूर्य रश्मियों का सूर्योदय के समय दर्शन करना जीवनदायक होता है। आयुर्वेद में सद्य प्राण देने वाली चीजों में इसका उल्लेख किया गया है। तो हमको जो है उगता हुआ सूर्य देखना ये भी बहुत आवश्यक चीज है। ऐसे विटामिन डी तो मिलेगी ही, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। प्रातः टहलना, अगर आप लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम 3,000 से 4,000 स्टेप्स, 3 से 5 किलोमीटर नियमित रूप से टहलने का अभ्यास जरूर करें।
और साथ साथ में 20 से 30 मिनट तक योगाभ्यास करें। और योगाभ्यास में विशेष रूप से मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आपके तीन तरह के आसन आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और साइडवर्ड बेंडिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथियों, हमको विशेष रूप से अपने श्वसन संस्थान को हेल्दी बनाने के लिए वो आसनों का प्रयोग करना चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं कपाल भाती, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कपाल भाती नहीं करना चाहिए, अनुलोम विलोम एक सदाबहार प्राणायाम है, इसका प्रयोग जरूर करें। इसमें इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्जेलेशन का जो अनुपात है वो 1:4:2 होता है। ऐसी स्थिति में इस सदाबहार प्राणायाम से आपकी वाइटल कैपेसिटी, होस्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और लंग्स के टिश्यू में रिपेयर होने का काम होता है, तो इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमको रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस में ध्यान देना है। इसमें दो प्रैक्टिसेस हैं, दिन में निस्पंद भाव करें और रात को सोते समय शवासन का अभ्यास करें। इससे आपके कैटाकोलामाइंस कम होते हैं और आपको एक रिलैक्सेशन होने के कारण आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब चीजों से भी आपको मुक्ति मिलती है। प्रतिमर्श नस्य आयुर्वेद का एक दैनिक चर्या का अंग है। इस प्रतिमर्श नस्य में आपको क्या करना है, तिल तेल, नारियल का तेल, गाय का देसी घी या अणु तेल के 2 बूंदे नाक में दोनों में आपको अवश्य डालना चाहिए। इससे आपका ये बैरियर का काम करता है और साथ में ब्लैक फंगस की स्थिति में भी लाभकारी है। कवल और गंडूस में हमको विशेष रूप से ध्यान देना है कि घृत, गौघृत या तिल तेल को मुंह में भरें और उसके बाद चलाएं मुंह को, उसके बाद थोड़ी देर बाद छोड़ दें। इससे हमारी माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी रहेगी, ये बहुत आवश्यक है। अब हम उन लक्षणों का समाधान की बात करेंगे जो COVID-19 संक्रमण होने के बाद लगातार विद्यमान रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसे हम कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जो कि समस्त लोगों में बहुत गंभीरता के साथ मिल रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि लंबे अंतराल तक रोगी का चिकित्सालय में या रोग से पीड़ित होने के कारण मानसिक यंत्रणा झेलते हुए उसकी सबसे पहले भूख खत्म हो जाती है, कुछ औषधियों का सेवन करने के कारण भी, फिजिकल एक्टिविटी नील होने के कारण। तो पहले भूख को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, रोगी को रुचि नहीं लगती भोजन में, तो हमको भूख बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की 2 औषधियां अपने आप में सक्षम है। चित्रकादिवटी 2-2 गोली भोजन करने के 15-20 मिनट पहले आप लें और साथ साथ में हिंगवष्टक चूर्ण को 1 चम्मच हिंगवष्टक चूर्ण 1 चम्मच देसी घी में सान कर रोटी के पहले निवाले के साथ आप सेवन करें। इससे आपकी अग्नि भी बढ़ती है, भूख बढ़ेगी आपको और पाचन की क्षमता भी आपकी वृद्धि होगी। तो ये बहुत आवश्यक आपको है भूख बढ़ाने के लिए, पहला काम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। कब्ज होने की स्थिति में आपको विशेष रूप से घर में ही 2 चीजों का प्रयोग करें, 2 अंजीर, 4 से 6 मुनक्का 1 कप दूध में उबाल करके आप रात को सोते समय दें, तो अगर पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी और आप अच्छी फीलिंग आपको डेवलप होगी। इसके बाद जब आपकी भूख सही हो जाती है, आपका पेट सही साफ होने लगता है, तब आपको बल्ल योग का सेवन करना होगा। इस बल्ल योग में आपको कहीं नहीं जाना, आयुर्वेद में औषधियों का भंडार है। इनमें अश्वगंधा अपने आप में एक विलक्षण औषधि है, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी एंजाइटी और एडोप्टोजेनिक, आपको स्ट्रेस में रहने की आदत भी डेवलप कराएगी। इस अश्वगंधा के विभिन्न योग उपलब्ध हैं, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा लेह, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा पाक, किसी भी रूप में आप अश्वगंधा का प्रयोग प्रातःकाल अवश्य करें और शाम को सोते समय च्यवनप्राश जैसा रसायन, जो अपने आप में दिव्य रसायन कहा जाता है, इसका अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, आपकी फटिक सिंड्रोम में आपको बहुत लाभ मिलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम लोगों ने एक व्याधि समत्व योग तैयार किया था, इसमें अष्टवर्ग की औषधियां, जीवनी गण की औषधियां, स्वर्ण भस्म, वज्र भस्म, अभ्रक भस्म और रजत भस्म को मिलाकर के योग तैयार किया गया था उन क्रॉनिक रोगियों के लिए जो कि किसी भी दवा से रेस्पॉन्ड नहीं करते थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती थी। तो उन लोगों के लिए नर्वोकल्प एक प्राणदायक औषधि है। इस नर्वोकल्प का कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है। आप 1 कैप्सूल प्रतिदिन दवा निकालकर चम्मच में शहद के साथ नाश्ते के बाद चटाएं तो आप देखेंगे कि अभूतपूर्व लाभ 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा और ये फटिक सिंड्रोम से हम मुक्ति पा सकते हैं।
तो इस प्रकार से दूसरी बात आती है श्वास फूलने जैसी समस्या, तो और खांसी आना, इसके लिए हमको शीतोपलादि चूर्ण को एक चम्मच शीतोपलादि चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा तुलसी पत्र सुरस अदरक रस और शहद में मिला करके सुबह शाम चटाना है। साथ साथ में व्याग्री हरित की अवले या श्रीसाद अवले सुबह शाम भोजन के बाद एक एक चम्मच लेना है, और श्वास का चिंतामणि रस की एक एक गोली प्रातः सायं देना है। इन तीनों औषधियों के सेवन से श्वास की समस्या से धीरे धीरे निजात मिल जाती है, खांसी भी समाप्त हो जाती है और रोगी को बहुत आराम मिलता है। तीसरी चौथी समस्या जो है आपकी है वो सीने में दर्द होना, घबराहट, बेचैनी, तेज धड़कन होना हृदय की, तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आप रोगी का बीपी और पल्स को चेक जरूर करें। पल्स ऑक्सीमीटर सबके घर में है, बीपी इंस्ट्रूमेंट आजकल करीब करीब सभी लोगों के पास है, तो इसको चेक करें। चेक करने के साथ साथ में आप ध्यान रखें कि आयुर्वेद में अर्जुन एक ऐसी विलक्षण औषधि है जो हृदय के लिए पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक, इतना उत्कृष्ट कोटि की हृदय के लिए रसायन है कि इसका सेवन करने से आपको इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सकती है। इस अर्जुन का सबसे उपयुक्त प्रयोग करने का तरीका है अर्जुन क्षीरपात। अर्जुन चूर्ण एक चम्मच, एक कप दूध और एक कप पानी, संभव हो सके गाय का दूध, और इसको उबाल करके 2 कप का 1 कप शेष रहने पर प्रातः काल इसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। ये बहुत उत्कृष्ट औषधि है। साथ साथ में भोजन करने के बाद आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करें 4-4 चम्मच बराबर पानी मिला के भोजन करने के बाद 15-20 ml ट्वाइस डेली, तो ये हमें करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण घटना आती है, स्थिति आती है जिसे कहते हैं गांठों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना। हमने बहुत से रोगियों को देखा कि तीव्र सीवियर एक्यूट अर्थराइटिस की प्रॉब्लम लेके रोगी आ रहे हैं, और उनको मैं देख रहा हूं कि जब जांच करा रहे हैं तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हाईली रेज्ड है, इवन आपकी आर ए फैक्टर भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको हमारी आयुर्वेदी औषधि बृहत बात चिंतामणि रस एक एक गोली सुबह शाम, महायोगराज गुगलू 2-2 गोली सुबह शाम भोजन के बाद, और महाबलवर्धक तेल से अभ्यंग करा के रोगी को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तीव्र रोगिक स्थिति में भी आयुर्वेद की औषधियां बहुत लाभकारी हैं। सिरदर्द होने की अवस्था में हमको गोदंती मिश्रण या गोदंती भस्म का प्रयोग करना चाहिए, जो कि 1/2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दें, और पथ्यादि क्वाथ हमारा जो होता है पथ्यादि क्वाथ और अश्वगंधा रिष्ट को 3-3 चम्मच माने 15-15 ml मिलाकर बराबर पानी के साथ सुबह शाम भोजन के बाद देने से आपको सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है। एक समस्या आती है निद्रा, अनिद्रा, नींद ना आना, इसमें एक काउंसलिंग करें, रोगी को समझाएं कि स्वाभाविक रूप से आपकी व्याधि सामान्य हो जाएगी, और साथ साथ में मांस्यादि क्वाथ, आयुर्वेद में जटामांसी इत्यादि का एक योग है, ये मांस्यादि क्वाथ जो है 15 ml से 20 ml तक बराबर पानी मिला के रात को सोते समय पिलाने से रोगियों को लाभ मिलता है। मनोअवसाद, डिप्रेशन एक कॉमन समस्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद इस मनोअवसाद की अवस्था में आप देखते हैं कि कोंच पाक, इसमें जो है मूड एलिवेटर कहलाता है जी हमारे यहाँ, सेक्सुअल टॉनिक के रूप में हम देते हैं। कोंच एक स्पर्मेटोजेनेसिस भी बढ़ाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग इस समय है जो होता है मूड एलिवेटर, आपको मन में और एक तरीके से सही भावना पैदा करना और अवसाद से बाहर आना। तो कोंच पाक तमाम कंपनीज बनाती हैं, इसका 1-1 चम्मच दूध के साथ में प्रातः सायं सेवन करें। ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त भी आती है, स्वर्णयुक्त की 1-1 गोली, सादा ब्राह्मी बटी की 2-2 गोली सुबह शाम भोजन के बाद लें, और चक्कर आने की स्थिति में बात कुलांतक रस का सेवन करें, ये बहुत आवश्यक है। बात कुलांतक रस की 1-1 गोली सुबह शाम अगर चक्कर आते हैं, गिडीनेस होती है, तो उसमें लाभकारी होती है। याददाश्त कमजोर होने की स्थिति, लोगों को एल्जाइमर्स तक हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में स्मृति सागर रस की 2-2 गोली सुबह शाम और ब्राह्म रसायन 1 चम्मच रात में सोते समय दूध के साथ हम सेवन कराएं तो बहुत लाभ होता है। अब हम बात करते हैं मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। शरीर के किसी भी अंग में सोत हो सकता है। मैंने बहुत से रोगियों को थाई से लेकर के एंकल तक पूरा का पूरा पैर सूज जाना, पेशेंट चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको दसमूल, एक हमारे यहाँ बहुत ही सोथग्न औषधि है, तो दसमूल घनवटी की 1-1 गोली सुबह शाम दें, ब्रहतवा चिंतामणि रस के साथ दें 1-1 सुबह शाम भोजन के पहले, और पुनर्नवाष्टक क्वाथ
इसमें पुनर्नवार निम्ब पटोल सुंठी तिक्ता अमृता दारू भया कसाया, ये 5-7-8 चीजें हैं, इनका सेवन करने से शोथ कम होता है। साथ साथ में महारासनादि क्वाथ को भी मिलाएं, 15-15 ml क्वाथ मिलाकर के बराबर पानी के साथ यदि हम सेवन करें तो निश्चित रूप से लोगों को इस सिंड्रोम की अवस्था में भी बहुत लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं बुखार आने की। लो ग्रेड फीवर लिंगर करता है और अधिक समय तक, पैरासीटामोल से भी इसको रेस्पॉन्स नहीं होता, तो ऐसे रोगियों में हमको विशेष रूप से संजीवनी बटी, मार सुदर्शन घनबटी दोनों में से एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद अमृतारिष्ट के साथ 4 चम्मच अमृतारिष्ट बराबर पानी मिला के भोजन के बाद हम दें, निश्चित रूप से ये लो ग्रेड फीवर में सुधार होता है, रोगी के शरीर में शक्ति भी आती है और इनको बहुत आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं एक गंभीर समस्या की, जो कि महामारी के रूप में कुछ स्टेट्स ने जिसको स्वीकार कर लिया है, ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं। इस म्यूकोर माइकोसिस के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य स्थान आंखों में, नाक में, मुंह में ये सामान्य रूप से होता है, तो इसमें हमको क्या करना है कि विशेष रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि अणु तेल का नस्य निश्चित रूप से प्रातः सायं रोगियों को लेना चाहिए, एक बार भी अगर सुबह ले लेते हैं तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरा त्रिफला आश्चोतन, त्रिफला को ताम्रपात में भिंगा करके निथार करके उस पानी से आंखों को धोना, और साथ साथ में आपको आंखों के लिए त्राटक, नियमित रूप से आप त्राटक का सेवन करें। डॉक्टर अवनीश जी ने आपके सामने ये दिखाया अभी कि आप ये करें, और साथ साथ में कवल और गंडूस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि तिल तेल गाय का देसी घी को मुंह में रख करके 2 मिनट तक चलाएं, उसके बाद में उसको बाहर निकाल दें, और ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है, त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और स्फटिका भस्म जिसे हम फिटकरी कहते हैं ये 5 ग्राम, इसका एक कॉम्बिनेशन को पाउडर फॉर्म में तैयार कर लें मिला करके, और इससे मंजन करें और मसूड़े में लगाएं, तो जो ब्लैक फंगस की शिकायत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी और ब्लैक फंगस डेवलप करने ही नहीं पाएगा यदि हम इसका सेवन करेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है इसको बचाव करने के लिए। दूसरी बात, हमको मास्क नियमित रूप से, मास्क को प्रयोग करते हैं तो मास्क आपका गीला होता है, वेट होता है आपकी सांस लेने से, और वेट होने के बाद में फंगस के डेवलप होने की उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमको मास्क को नियमित बदलना चाहिए और इसको धो करके धूप में सुखाएं या मास्क को बदलें नियमित रूप से, एक ही मास्क को उस तरीके से प्रयोग हम लोग न करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यह बहुत आवश्यक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका व्हाइट फंगस जिसे कैंडिडोसिस कहते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि अणु तेल का नस्य और कवल गंडूस के साथ साथ में चमेली के पत्तों को आप ले करीब 15-20 पत्ते उनको तोड़ करके एक कप पानी में उबालें, उबालने के बाद में उस पानी से आप गरारा करें और विशेष रूप से मुंह में आप गंडूस करें, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको काफी सुधार होता है, और जो स्थान जहां पर छाला हो रहा है, जहां ब्लैक व्हाइट फंगस दिखाई पड़ रहा है, उसमें शुद्ध टंकण भस्म को शहद में मिला करके सुबह शाम 2-3 बार प्रयोग करें, ये बहुत आवश्यक है। तो साथियों, यही सामान्य समस्याएं हैं जिन गंभीर समस्याओं के चलते COVID-19 से ठीक होने के बाद भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से रोगियों को परेशान पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि आप आयुर्वेद जैसी चिकित्सा विधा का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना कालखंड में एक पॉजिटिविटी के साथ बाहर आएंगे। एक बात अंत में अन्य बात बताते हुए कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी ने एक कार्यक्रम अभी कराया था कि हम धूपन चिकित्सा की बात करते हैं, नित्य प्रति अपने जीवन में हमको आयुर्वेदी औषधियों के साथ हवन की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया जीवन का एक सामान्य अंग बना लेना चाहिए। 15 मिनट तक आप हवन करेंगे तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कोरोना संक्रमण, अन्य कोई पैथोजेंस का डेवलप हो पाना हमारे घर में बिल्कुल निश्चित रूप से संभव ही नहीं है, और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। इसको हम अपने जीवन में उतारें और पॉजिटिविटी के साथ में जीवन में आगे बढ़ें, कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे हम लोग। हमें पूर्ण विश्वास है कि आयुर्वेद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मंत्र के रूप में संपूर्ण विश्व की पीड़ित मानवता को लाभ पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी इसके सजीव प्रसारण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, निश्चित ही आपने पोस्ट कोविड में होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशन है सबको बारी बारी से बताया और सबकी चिकित्सा भी बताई, और निश्चित ही ये जो कार्यक्रम रहा लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा।
और इस कार्यक्रम को जो लोग नहीं देख पाए रिकॉर्डेड वर्जन में भी आप तक पहुंचेगा और ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कोविड के सिम्टम आते ही आप बिना देर किए हुए जांच अवश्य कराएं, आइसोलेशन में रहें, घबराएं नहीं। कोविड सिम्टम आने के बाद से जैसा भी सर ने चर्चा किया पोस्ट कोविड तक आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, देखभाल जरूर करिए और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं, वैक्सीनेशन चल रहा है उसका भी प्रयोग करें और जितनी भी बातें अभी बताई गई हैं आप उसको अपने जीवन में उतारें। सबसे महत्वपूर्ण है अवसाद से बचना है, विषादो रोग वर्धना नाम, हम लोग को अवसाद से बचना है और इस बीमारी पे विजय प्राप्त करनी है आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद हमेशा है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर जी एस तोमर सर को, अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद मिशन। ये स्वास्थ्य परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट कोविड एंड इट्स मैनेजमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद अवनीश जी।